बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, उसमें सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे डाईहेड्रल ग्रुप्स की स्टडी को। लास्ट लेसन में हमने डाईहेड्रल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन डाईहेड्रल ग्रुप के बारे में अभी बहुत सी बातें डिस्कस करना बाकी हैं। तो सबसे पहले हम डाईहेड्रल ग्रुप्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, फिर हम नया टॉपिक शुरू होगा जनरेटर्स एंड रिलेशंस के ग्रुप के अंदर जनरेटिंग सेट क्या होता है और रिलेशंस क्या होती हैं, और फिर हम एट द एंड हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप क्या होती है, व्हाट इज मेन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप, और एग्जांपल्स की मदद से इस चीज़ को सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाईहेड्रल ग्रुप्स के बारे में। जैसे कि लास्ट लेसन में भी आपने पढ़ा था, डाईहेड्रल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए रेगुलर एनगॉन इज कॉल्ड द डाईहेड्रल ग्रुप डिनोटेड बाय DN। और हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि D3 को अगर लिखें तो इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्रीज से बनता है, और इसके अंदर जो सिमेट्रीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसमें तीन रोटेशंस होती हैं और तीन रिफ्लेक्शंस होती हैं। रोटेशंस कौन कौन सी होती हैं, 0 डिग्री की रोटेशन जिसको आइडेंटिटी रोटेशन बोलते हैं, फिर 120 डिग्री की रोटेशन, और इसके बाद 240 डिग्री की रोटेशन। और इसके बाद अगर हम इसके लाइन ऑफ सिमेट्रीज देखें, इसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं या एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं वो 3 हैं। एक को हम L1 कह लेते हैं, एक को L2 और एक को L3। तो इसमें FL1, FL2 और FL3 ये तीन इसमें रिफ्लेक्शन आ जाएंगी। इसी तरह D4 में 4 रोटेशन होंगी, 4 रिफ्लेक्शन होंगे, क्योंकि इसके एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लाइन ऑफ सिमेट्रीज 4 हैं। इसी तरह जो पेंटागॉन है, रेगुलर पेंटागॉन, इसकी सिमेट्रीज का ग्रुप D5 होगा, और उसमें ये 5 रोटेशन आएंगी, 5 रिफ्लेक्शन आएंगे। और इन जनरल हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, DN कैन बी रिटन एज R0 R थीटा, वेर थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई एन, वेर एन डिनोट्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। और फिर इस एंगल को हम डबल करते जाएंगे, R2 थीटा, R3 थीटा एंड सो ऑन अप टू RN-1 थीटा, और इसके बाद आइडेंटिटी आ जाता है, इसके बाद फिर रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती हैं, और इस ग्रुप का ऑर्डर 2N होता है, ये हमने ऑब्जर्व किया था। इस ग्रुप के अंदर और कौन कौन सी बातें थी, हमने पढ़ा था अगर R थीटा का स्क्वायर लें तो इसका मतलब होता है R थीटा को 2 दफ़ा कंपोज करेंगे, दैट मीन्स रोटेशन ऑफ एंगल 2 थीटा। इसी तरह अगर R थीटा का क्यूब लें तो वो R3 थीटा हो जाएगा। तो इन जनरल R थीटा ऑल पावर N-1 विल बी इक्वल्स टू RN-1 थीटा। तो इट मीन्स डाईहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं R0 R R स्क्वायर अप टू सो ऑन RN-1। और R क्या है, R इज दिस बेसिक रोटेशन ऑफ 360 बाई N डिग्री। और इसमें क्योंकि हम जानते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि रोटेशन और रिफ्लेक्शन जो है ये मिलके रिफ्लेक्शन बनाते हैं। इस तरह अगर हम इनमें से किसी भी एक रिफ्लेक्शन को F से डिनोट कर दें और इसको बारी बारी इनके साथ अगर कंपोज करें तो वो भी रिफ्लेक्शन ही होंगी, और इन रिफ्लेक्शन को हम इन रिफ्लेक्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्शन हैं, ये भी रिफ्लेक्शन हैं, तो इनकी तादाद भी बराबर है, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और इस तरह करने का हमें क्या फ़ायदा होगा, इस तरह डाईहेड्रल ग्रुप की जो एलिमेंट्स की फॉर्म होगी वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब इस फॉर्म में अगर लिखें तो आप देखें इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर और एफ से मिल के बनते हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ R R and F। हम कह सकते हैं आर और एफ जो है वो इसका जनरेटिंग सेट है इस ग्रुप का। इस टॉपिक को हम स्टडी भी करेंगे इस लेक्चर में कि जनरेटिंग सेट क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे वो ये है कि हम डाईहेड्रल ग्रुप के अंदर जितनी भी सिमेट्रीज होती हैं उन सिमेट्रीज के साथ हम उस पॉलीगॉन के वर्टिसेस की जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट की जो परमुटेशन होती है, उनको भी एसोसिएट कर सकते हैं। वी कैन एसोसिएट टू ईच सिमेट्री इन D3 ए परमुटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ 3 वर्टिसेस, 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फॉर इंस्टेंस अगर आप हर सिमेट्री के साथ इन वर्टिसेस की मूवमेंट को स्टडी करें तो ये हमें हर सिमेट्री के साथ इनकी परमुटेशन भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम R0 डिग्री को लें जो कि आइडेंटिटी है, तो ये इससे आइडेंटिटी का इस पे क्या इफेक्ट होगा, 1 1 पे रहेगा, 2 2 पे और 3 3 पे, आइडेंटिटी हैज नो इफेक्ट। फिर अगर हम इसको रोटेट करेंगे 120 डिग्री
अबाउट द सेंटर, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वर्टिसेस की परमुटेशन कैसे बनेंगी, वन मैप्स टू टू, टू मैप्स टू थ्री एंड थ्री मैप्स टू वन, और इसको हम साइकिल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं वन टू थ्री। इसी तरह अगर 240 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, वन थ्री पे चला जाएगा, थ्री टू पे और टू वन पे, और इस चीज को भी हम साइकिल नोटेशन में भी लिख सकते हैं वन थ्री टू। इसी तरह अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं अबाउट दिस लाइन, तो इससे क्या होगा, वन फिक्स रहेगा और टू और थ्री आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और इसको अगर हम लिखना चाहें साइकिल फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, टू थ्री। तो इस तरह हम जितनी भी सिमेट्रीज हैं डी थ्री के अंदर, उन सब के साथ वर्टिसेस की जो लोकेशन है उसकी एक परमुटेशन एसोसिएट कर सकते हैं वन टू थ्री की। और अगर आप गौर करें तो ये जो सिक्स परमुटेशन का सेट है ये भी ग्रुप बनाता है जिसको एस थ्री कहते हैं, और इससे हमें पता चला कि डी थ्री इज आइसोमार्फिक टू एस थ्री, यानी इन दोनों ग्रुप्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। इनके एलिमेंट्स को अगर हम डी थ्री के एलिमेंट्स जो हैं इसको अगर हम लेबल करें वर्टिसेस की रोटेशन के साथ, वर्टिसेस की परमुटेशन के साथ, तो हमें पता चलता है कि वो एस थ्री बनता है। तो डी थ्री हैज द सेम स्ट्रक्चर एज एस थ्री, इस नोटेशन का मतलब होता है आइसोमार्फिज्म। ये टॉपिक अभी हमने पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो ग्रुप्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो तो हम कहते हैं दे आर आइसोमार्फिक। तो ये थ्री वर्टिसेस हैं और हर, और हमें डी थ्री में टोटल सिक्स एलिमेंट हैं, और वो सिक्स सिमेट्रीज जो हैं वो हमें सिक्स परमुटेशन देंगी, किसकी, वर्टिसेस की। इसी तरह डी फोर के अंदर आए, डी फोर में एट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डी फोर में कितनी सिमेट्रीज हैं, एट सिमेट्रीज हैं। वो सिमेट्रीज को भी अगर हम इस वर्टिसेस के ऊपर अप्लाई करें, वर्टिसेस का बिहेवियर देखें, तो हमें आठ परमुटेशन मिलेंगी। आइडेंटिटी इज दिस परमुटेशन, आर नाइनटी इज दिस, आर नाइनटी से क्या होगा, आर 90 से आपका 1 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे, 3 4 पे और 4 1 पे। इसी तरह अगर आप आर रिफ्लेक्शंस लेते हैं तो उससे क्या होगा, इस रिफ्लेक्शन से 2 3 पे, 3 2 पे, 1 4 पे, 4 1 पे। तो इसको हम परमुटेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो D4 के हर एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग वी कैन एसोसिएट टू इट्स सिमेट्री इन D4 ए परमुटेशन ऑफ द फोर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हम उसके जो वर्टिसेस की परमुटेशन है उसको अटैच कर सकते हैं, उसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, वो क्या है, वो गौर करने वाली बात ये है कि जब हमारे पास पॉलीगॉन के थ्री वर्टिसेस थे तो हमें थ्री वर्टिसेस की, और डी थ्री में सिक्स एलिमेंट्स थे और हमें सिक्स परमुटेशन मिली, लेकिन डी फोर में अब एट एलिमेंट्स हैं तो हमें एट परमुटेशन मिलेंगी, हमें 24 परमुटेशन नहीं मिलेंगी। इसलिए डी फोर इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। D3 तो S3 के आइसोमॉर्फिक है, लेकिन D4 S4 के आइसोमॉर्फिक नहीं है। D4 में 8 एलिमेंट्स हैं, S4 में 24 एलिमेंट्स हैं। हाँ, D4 के जो 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा वो इसका सब ग्रुप होगा, ये 8 की 8 परमुटेशन S4 के एलिमेंट्स होंगी, तो ये इसका सब ग्रुप है, इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। इसी तरह हमने इन दो एग्जांपल्स में ये चीज नोट की है कि ईच सिमेट्री ऑफ अ ज्योमेट्रिकल शेप इन प्लेन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूनिकली बाय एसोसिएटिंग ए परमुटेशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ दैट शेप। हम हर सिमेट्री के साथ एक परमुटेशन भी अटैच कर सकते हैं, और इसका सम टाइम हमें फायदा भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखना चाहते हैं इस एग्जांपल में कि आर 120 और आर एफ एल 1 को कंपोज करके क्या होता है, तो हम इसकी परमुटेशन को कंपोज कर लेंगे जिनको कंपोज करना हमें अच्छी तरह आता है। तो उसका जो आंसर आएगा उसको फिर परमुटेशन में देखेंगे क्या आंसर आता है, और वहां से हमें पता चलेगा ये किसके साथ, इनको कंपोज करने से क्या आंसर आता है। तो परमुटेशन के साथ ग्रुप को स्टडी करना सम टाइम आसान भी हो जाता है, इसका ये फायदा भी हो सकता है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है, इसके बाद हमारा प्लान है हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे कि डी एन का जो ऑर्डर है, जो डायहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर है, ये टू एन के इक्वल होता है। यानी एन, ये एन जो क्या चीज़ है इसमें डिनोट करती है, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की जितनी साइड्स होंगी ग्रुप का ऑर्डर उसका डबल होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने पहले भी नोट की है कि हम जो भी सिमेट्री अप्लाई करते हैं उसका वर्टिसेस की लोकेशन पे बड़ा असर होता है। हम जो कोई भी सिमेट्री अप्लाई करेंगे वर्टिसेस ने अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज करके किसी ना किसी पोजीशन पे तो जाना ही होता है। तो वर्टिसेस की मूवमेंट, वर्टिसेस की पोजीशन को हम स्टडी करके डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें, इफ सम सिमेट्री, अगर हम कोई भी सिमेट्री
इसका प्रूफ हम किस तरह स्टार्ट करते हैं? हम एक रेगुलर पॉलीगॉन लेते हैं ऑफ विद एन साइड्स। हमें नहीं पता एन किसके इक्वल है, एन 50 है या 100 है या 200 है, जो भी होगा हम इसको इनकी एन साइड्स एक पॉलीगॉन लेंगे और फिर उस पॉलीगॉन को लेके ये रेगुलर पॉलीगॉन होगी और इस पॉलीगॉन को लेके फिर हम क्या करेंगे, इसके वर्टिसेस को लेबल करेंगे सबसे पहले किसी भी ऑर्डर में। इसको हमने इस तरतीब से 1, 2, 3 अप टू सोन लेबल कर लिया और फिर हमने ये बात ऑब्जर्व करनी है इफ़ सम सिमेट्री, अगर हम 1 को फिक्स कर लें और अगर कोई सिमेट्री 1 को किसी पोजीशन आई पे भेजेगी तो वो साथ 2 को भी तो कहीं ना कहीं भेजेगी ना, क्योंकि 2 1 के साथ अटैच है, 2 इज एडजेसेंट टू 1। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जो है वो मूव करके यहाँ किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट पे पहुंच गया तो साथ साथ इसके 2 भी तो मूव होगा ना। 1 अगर इधर किसी न्यू पोजीशन पे गया है तो साथ साथ 2 भी मूव होगा, और हाँ अगर तो ये रोटेट होके गया तो फिर 2 इसके साथ जो है इसके साथ इससे पहले आएगा, इसके साथ इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्ट होके गया, फर्ज करें अगर इस लाइन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो 2 कहीं इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से 1 जहां मर्जी जाए, जब भी कोई सिमेट्री अप्लाई करेंगे 1 जहां मर्जी जाए 2 भी उसके साथ साथ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टडी करेंगे कि 1 और 2 का जो ये जो एज बनता है, ये हमने एज फिक्स कर लिया। हम देखेंगे कोई भी सिमेट्री अप्लाई करने के लिए इसकी न्यू पोजिशन कौन कौन सी पॉसिबल है, 1, 2 ये जो एज है ये कहाँ कहाँ पे जा सकता है, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। और ये हम किस तरह स्टडी करेंगे, इट्स वेरी इजी। हम देखेंगे कि जब भी कोई सिमेट्री अप्लाई करेंगे तो 1 की न्यू पोजीशन क्या क्या हो सकती है। 1 मूव होके 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी, एंड सो ऑन, और एन पे भी जा सकता है, ठीक है। और जब 1 जो है किसी पोजीशन पे चला जाएगा तो फिर साथ साथ उसके 2 ने भी मूव करना, तो 2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। 1 अगर फर्ज करें किसी पोजीशन आई पे जाता है तो 2 फिर आई प्लस 1 पे जाएगा या आई माइनस 1 पे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें इस पॉलीगॉन को मैं मूव करता हूँ तो 1 फर्ज करें अगर 1 मूव करके लेट से 1 अगर इधर किसी पोजीशन पे आ गया, रोटेट करके किसी पोजीशन आई पे आ गया, तो 2 भी तो साथ साथ आएगा ना। तो 2 फिर किस पोजीशन पे आएगा, 2 इस पोजीशन पे होगा आई प्लस 1 पे, ठीक है। इसी तरह अगर रिफ्लेक्शन हुई है तो 1 अगर किसी भी लाइन के अबाउट, तो 1 अगर किसी पोजीशन आई पे आता है तो 2 जो है वो फिर कहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अबाउट ही हम ले लें, कोई भी रिफ्लेक्शन ले लें, तो फिर 1 इधर था तो 2 इधर आएगा। तो फिर दूसरी केस में जो है वो 1 इधर है और 2 इधर है, तो 1 अगर किसी पोजीशन आई पे जाता है तो 2 आई माइनस 1 पे जाएगा, ठीक है। इस तरह से अफेक्ट हो सकता है कि जो 2 की यानी 1, 2 ने जब मूव करना है इसमें, इसको इस तरह से भी, अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब आपने रोटेट करना है या रिफ्लेक्ट करना है तो 1 फर्ज करें अगर किसी इस पोजीशन पे चला गया, ये कोई पोजीशन आई है और 1 मूव होके इधर चला गया, ठीक है, तो साथ 2 भी जाएगा। और 2 जो है वो फर्ज करें 2 अगर इसके इस साइड पे आएगा तो ये पोजीशन फिर क्या होगी, आई प्लस 1 होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 जो है वो 1 के बाद आ जाए, ऐसा भी मुमकिन है। तो फिर 1 अगर पोजीशन आई पे जाएगा तो 2 आई माइनस 1 पे जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको किसी लाइन के अबाउट, लेट से मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया है इस लाइन के अबाउट, ये सेंटर से गुजर रही है और 3 से इस एक्सिस के अबाउट, तो 1 की पोजीशन इधर चली जाएगी और 2 जो है वो इधर आ जाएगा फर्ज करें, ठीक है। और ये पोजीशन अगर आई है तो ये पोजीशन फिर आई माइनस 1 होगी, ठीक है, ये इससे पिछली पोजीशन होगी। तो रिफ्लेक्शन में जो है वो 2 आई माइनस 1 पे जाएगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्विच कर जाएगी। यही बात इधर लिखी हुई है कि वंस द न्यू पोजीशन इज डिसाइडेड फॉर 1 से आई, देन
चॉइस फॉर न्यू पोजीशन फॉर टू, टू फिर किस पे मूव करेगा, टू या आई प्लस वन पे जाएगा या आई माइनस वन पे जाएगा, वो डिपेंड करता है आपने रोटेशन अप्लाई की है या रिफ्लेक्शन अप्लाई की है। तो इसका मतलब है कि वन टू एज के मूव करने की हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, टू एन, हम टू दोनों बाई काउंटिंग प्रिंसिपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन के मूव करने की एन चॉइसेस हैं और जब वन मूव हो जाएगा फिर टू के मूव करने की टू चॉइसेस हैं, तो टोटल टू एन चॉइसेस हैं हमारे पास इस वन टू के मूव करने की। और जब वन टू मूव होगा तो बाकी सारे एजिस भी तो मूव होंगे ना, तो बाकी सारे एजिस की मूवमेंट को भी हम वन टू की मूवमेंट के साथ डिटरमिन कर सकते हैं, इसलिए वन टू की मूवमेंट्स को काउंट करना ही काफी है। इससे प्रूफ हो गया कि इस ग्रुप का ऑर्डर टू एन के इक्वल है। ठीक है, इसमें हमने एक एज को फिक्स कर लिया और हमने देखा वन की पोजिशन के लिए नई पोजिशन के लिए कितनी कितनी च्वाइसिस हैं और साथ टू भी मूव होगा उसके लिए कितनी च्वाइसिस हैं, टोटल टू एन एलिमेंट्स। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका कि डीएन के अंदर टू एन एलिमेंट्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं डाइहेड्रल ग्रुप से रिलेटेड। इसमें पहली एक्सरसाइज है, सपोज एफ वन एंड एफ टू आर डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन इन डीएन, प्रूफ करें कि इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। अगर कोई भी दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन लेते हैं तो प्रूफ करना है कि इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। कंट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है, दोनों तरफ f1 से मल्टीप्लाई कर दें और f1 का स्क्वायर ये एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा और f1 into identity, f1 नहीं आएगा, f1 का स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगा क्योंकि हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है। तो ये कंट्रेडिक्शन आ गई। कंट्रेडिक्शन किस बात से, क्योंकि ये तो डिस्टिंक्ट थी और ये बराबर आ गई। अल्टरनेटिवली इस तरह भी आप आर्गूमेंट दे सकते हैं कि f1 f2 तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, ठीक है, एंड दिस इज, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल लिया जाए, ठीक है, F1, F2 equals to identity if and only if दोनों तरफ इस equation को अगर F1 से multiply करें तो ये relation आ जाएगी, if and only if F2 equals to F1, तो ये identity के equal तब आएगा if and only if F2 equals to F1, hence we conclude that अगर F2 F1 के बराबर नहीं होगा तो ये भी identity के बराबर नहीं होगा। इस तरह से ये exercise proof हो जाती है। यहाँ पे अब next जो है एक और exercise है, इस एक्सरसाइज को देखते हैं इसमें कि हमने क्या प्रूफ करना है। यहाँ पे खैर कुछ फैक्ट्स थे डायहेड्रल ग्रुप के बारे में, वो हमने मिस कर दिए, इनको हमें पहले स्टडी करना चाहिए था इन एक्सरसाइज से पहले। ये फैक्ट्स क्या है, ये फैक्ट्स जो है यहाँ पे आने चाहिए थे, ये थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे हो गई है। तो ये इजी रिमार्क्स हैं डायहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में कि डायहेड्रल ग्रुप के अगर एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारी डिस्टिंक्ट रोटेशन होती हैं, इनमें से कोई भी दो बराबर नहीं होते, और इसके बाद ये रिफ्लेक्शन होती है, इनका ऑर्डर टू होता है, आर का ऑर्डर एन के बराबर होता है और आर पावर आई का ऑर्डर इस फार्मूले से अगर देखें तो एन या उससे कम होगा, और आर आई जो है आर का ये सारी रोटेशन है और ये रोटेशन कितने डिग्री की होंगी, थीटा जो है 360 से लेस होगा, जैसे कि आपने शुरू में भी ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें रोटेशन में जितने भी एंगल हैं कोई भी एंगल 360 को क्रॉस नहीं करता, जीरो से लेके हम मैक्सिमम 360 तक जाते हैं। तो वही बात इधर भी हो रही है कि यहाँ पे इनके जो एंगल हैं वो 360 तक जाएंगे। ये कुछ इजी रिमार्क्स थे डायहेड्रल ग्रुप के बारे में, इस पे आप गौर कीजिएगा, वेरी इजी रिमार्क्स। इसके बाद हमने ये एक्सरसाइज प्रूफ आनी थी, ये कर ली है प्रूफ। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी इजी। इसमें हमें गिवन क्या है, F1 एंड F2 आर डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस, F1 और F2 कोई डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन है इन डी एन सच दैट, इन पे क्या कंडीशन है, F1 F2 कम्यूट करती हैं। इस एक्सरसाइज में क्या चीज गिवन है, F1 और F2 दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन है और वो दोनों कम्यूट करती हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट F1 F2 इक्वल्स टू R180, ये R180 के इक्वल आता है। तो प्रूफ इसका इस तरह से होगा, F1 F2 का होल स्क्वायर लेंगे, वो क्या आ जाएगा, इसका F1 F2 इसको ओपन कर लेंगे और फिर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये वाला फैक्ट यूज कर देंगे, इस फैक्ट को यूज करने से ये स्विच हो जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा टू होता है, उसका स्क्वायर लेने से आइडेंटिटी आ गया। तो हमने ये देखा इस एलिमेंट का स्क्वायर लेने से अगर आइडेंटिटी आता है तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर या वन होगा या टू होगा। अगर इसका ऑर्डर वन होगा तो इट मींस ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा, और ये अगर आइडेंटिटी के इक्वल होगा तो दोनों तरफ एफ टू से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या हासिल होगा, एफ वन इक्वल्स टू एफ टू, जो कि कंट्रडिक्शन है क्योंकि एफ वन और एफ टू तो डिस्टिंक्ट है,
लिहाजा यहाँ से ये नतीजा निकला कि एफ वन एफ टू का ऑर्डर फिर वन नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर फिर टू होगा। अब दो चीज़ों का पता चल चुका है। एक चीज़ तो ये है कि एफ वन एफ टू का ऑर्डर टू है, और एक और चीज़ हम पहले से जानते हैं वो क्या है कि एफ वन एफ टू इज़ ए रोटेशन। दो रिफ्लेक्शन जब भी मिलती हैं तो रोटेशन होती है। अब एफ वन एफ टू जो है हमें पता चला कि एफ वन एफ टू इक्वल्स टू सम रोटेशन ऑफ सम एंगल, हमें नहीं पता कौन सा एंगल है। और दूसरा, इसका जो ऑर्डर है एफ वन एफ टू का जो ऑर्डर है वो कितना है, टू है। तो अब हमें डिसाइड करना है वो कौन सी रोटेशन होती है जिसका ऑर्डर टू होता है। तो वो एक ही ऐसी रोटेशन का ऑर्डर टू तब होगा अगर इसका स्क्वायर लेने से आइडेंटिटी आ जाए, आर 360 आ जाए। ठीक है, आर 360 तब आएगा अगर ये थीटा 180 के इक्वल होगा, वैसे नहीं आ सकता। ठीक है, जब आप रोटेशन की पावर लेते हैं, और वो आइडेंटिटी कब आती है, जब वो 360 आ जाए। ठीक है, लीस्ट पावर जिस पे आइडेंटिटी आ जाए या उसका कोई मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी वो रोटेशन है। डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स को तो आप जानते हैं ना, ये देखें पहले भी आपने देखे थे ये, और ये सारे एंगल 360 को कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा। तो वो कौन सा एंगल है जिसका स्क्वायर लेने से आइडेंटिटी आ जाएगा? तो वो एक ही एंगल है आर 180 के अलावा और कोई ऐसा एंगल नहीं होगा। आर 180 और केसेस में भी आएगा। तो आर 180 इज द ओनली रोटेशन हुज ऑर्डर इज टू। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि जब भी दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन आपस में कम्यूट करेंगी तो फिर उनका प्रोडक्ट आर 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ कर दी, क्योंकि इसमें दो चीजें हमने प्रूफ की कि एफ वन एफ टू का ऑर्डर टू है, और इस और दूसरी बात है कि ये रोटेशन है। और ऐसी कौन सी रोटेशन है जिसका ऑर्डर टू होगा? दैट इज ओनली आर 180। आर 180 इज द ओनली रोटेशन हुज ऑर्डर इज टू। क्योंकि जब आप रोटेशन का ऑर्डर फाइंड करते हैं तो आप इसकी पावर लेंगे, वो पावर यहाँ पे आ जाएगी। तो और कोई आपको ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर लेने से आपको आइडेंटिटी मिले, सिर्फ आर 180 होगा। इससे ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह की एक और एक्सरसाइज है आगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें हम कुछ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। किसकी रिलेशंस? आर और एफ के दरमियान। कि हम कोई भी रोटेशन ले लेते हैं और कोई भी रिफ्लेक्शन ले लेते हैं डी एन में। अगर हम डी एन में कोई भी रोटेशन ले लें और एफ कोई भी रिफ्लेक्शन ले लें डी एन में, हमने ये चीज प्रूव करनी है कि आर पावर के एफ आर पावर के इक्वल्स टू एफ फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड। और आपको पता है रोटेशन की पावर भी रोटेशन होती है। इसके अंदर हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि अगर हम रोटेशन को साइडों पे रखें और दरमियान में कोई रिफ्लेक्शन रखें तो आंसर वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू, के वन भी हो सकता है, टू भी, और के नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब इसका प्रूफ हम किस तरह करेंगे? हम कहेंगे वी नो दैट आर पावर के एफ इज ए रिफ्लेक्शन। हमें पता है ये रिफ्लेक्शन है और हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर टू के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या प्रूफ करना है? हमें पहले देखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है कि कोई भी हमारे पास एक फिक्स्ड रोटेशन है और एक फिक्स्ड रिफ्लेक्शन है, और साथ हमने प्रूफ करना है कि आर पावर के एफ आर पावर के इक्वल्स टू एफ। यानी कि अगर हम क्या करें, रोटेशंस दोनों तरफ हम सेम रोटेशन लें, दरमियान में कोई भी रिफ्लेक्शन रखें, तो वही रिफ्लेक्शन आंसर आएगा। इसको प्रूफ किस तरह किया जा सकता है? हम जानते हैं आर पावर के एफ इज ए रिफ्लेक्शन, एक बात हमें ये पता है, और दूसरी बात ये पता है कि इसका ऑर्डर टू है, हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर टू होता है। तो इसका मतलब है इस रिफ्लेक्शन का जब स्क्वायर लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज इसको ओपन कर लेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना, फिर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और इस एफ का को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा एफ इनवर्स, या राइट साइड से आप एफ इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो और एफ इनवर्स एफ के बराबर होगा क्योंकि एफ का ऑर्डर टू है। जिस एलिमेंट का भी ऑर्डर टू हो उसका इनवर्स उसके बराबर होता है क्योंकि उसका स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। तो इस तरह ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पे एक बात नोट करें कि इस रिलेशन से हम और भी बहुत सी रिलेशंस डिड्यूस कर सकते हैं। मसलन यहाँ से अगर हम
आर पावर के एफ की वैल्यू निकालें तो हम राइट साइड से आर पावर के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर आर पावर के एफ की वैल्यू निकालें, सॉरी, अगर एफ आर पावर के की वैल्यू निकालना चाहें तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस पता चलती हैं। वो क्या है कि जब भी रोटेशन और रिफ्लेक्शन को स्विच करेंगे तो स्विच करने के बाद रोटेशन के ऊपर इनवर्स आ जाएगा। जैसे आर पावर के एफ इक्वल्स टू एफ आर पावर माइनस के और एफ आर पावर के इक्वल्स टू आर पावर माइनस के इंटू एफ। जब भी इनको स्विच करेंगे तो रोटेशन के ऊपर इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह की एक और एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज पे। इसमें हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक फिक्स्ड रोटेशन है और एक रिफ्लेक्शन है। हमने प्रूफ करना है कि अगर दरमियान में कोई भी रोटेशन की पावर ले लें, रोटेशन की पावर भी रोटेशन ही होती है, कोई भी रोटेशन की पावर ले लें, दरमियान पे कोई सेम रिफ्लेक्शन लें तो आंसर क्या आएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा फॉर ऑल के बिलोंग्स टू दैट। इसका प्रूफ भी बिल्कुल उसी तरह है, उसी स्टेप्स पे। और यहाँ पे एक बात नोट करें, ये वाली जो रिलेशन है ये प्रीवियस पेज पे जो रिलेशन थी उसके इक्विवेलेंट है। अगर आप यहाँ से इसको दोनों तरफ से एफ से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट और राइट से तो क्या प्रूफ हो जाएगा, अगर मैं एफ से मल्टीप्लाई करूं पहले तो ये आ जाएगा एफ आर पावर के इक्वल्स टू आर पावर माइनस के इनटू एफ। एफ में क्या प्रॉपर्टी, एफ का स्क्वायर आइडेंटिटी है। दिस इज इफ एंड ओनली इफ आर पावर के एफ इक्वल्स टू एफ आर पावर माइनस के। और यहाँ से आप वो रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं जो प्रीवियस पिछले पेज पे हमने प्रूफ की थी। तो ये दोनों रिलेशन आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये वही रिलेशन है। अगर आप इसमें आर पावर के एफ और आर पावर के को यूज करेंगे, जैसे पहले एफ को मैं उधर ले गया हूँ एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, फिर दोबारा आर पावर के से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उधर एफ मिलेगा, ठीक है। अगर दोबारा आर पावर के से मल्टीप्लाई करें तो इधर एफ मिलेगा। तो ये वही रिलेशन है जो हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। और ये हमारी कुछ एक्सरसाइज के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि दिस ग्रुप इज नॉन अबिलियन। इस ग्रुप को नॉन अबिलियन हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, हम कोई भी रोटेशन लेते हैं लेकिन ऐसी रोटेशन लेते हैं जो अपने इनवर्स के बराबर नहीं है, यानी जो आर जो आइडेंटिटी के बराबर भी नहीं है और आर 180 के बराबर भी नहीं है। यानी कोई ऐसी रोटेशन ले लेते हैं जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं आता और एक कोई भी रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है, हम ये बात जानते हैं कि क्योंकि आर अपने इनवर्स के इक्वल नहीं है, इसको दोनों तरफ एफ से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर राइट साइड से आर के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सॉरी, अगर ये आर है, अगर लेफ्ट साइड से फिर आर से मल्टीप्लाई करें, पहले हमने इसको एफ से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से दोनों तरफ फिर आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज आ गई। अब हम ये वाली रिलेशन अगर यहाँ पे यूज करें लेफ्ट साइड पे तो इसकी जगह हम एफ लिख सकते हैं, इधर एफ आ जाएगा और ये आ जाएगा एफ इज नॉट इक्वल्स टू आर एफ आर इनवर्स। फिर राइट साइड से आर से मल्टीप्लाई करें और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए, एक भी ऐसा पेयर मिल जाए जो कम्यूट ना करें तो ग्रुप नॉन अबिलियन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ऐसी रोटेशन लें जो अपने इनवर्स के बराबर नहीं है तो वो किसी भी रिफ्लेक्शन से कम्यूट नहीं करेगी, लिहाजा दिस इज नॉट, देयर फॉर दिस ग्रुप इज नॉन अबिलियन। यहाँ पे हमने ऐसी रोटेशन इसलिए ली है, अगर हम यहाँ पे आर इक्वल्स टू, अगर हम ऐसी रोटेशन लें जो अपने इनवर्स के बराबर है तो ये हर एक से कम्यूट कर जाती है, ठीक है। इससे हमें कंट्रेडिक्शन या वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। डाईहेड्रल ग्रुप के अंदर अगर ऐसी रोटेशन लें जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है तो ये रोटेशन हर एक से कम्यूट कर जाएगी। इसलिए हमने जानबूझ के इसके अलावा कोई रोटेशन ली है ताकि हम ये शो कर सकें कि हर दो एलिमेंट कम्यूट नहीं करते, ताकि ये ग्रुप नॉन अबिलियन प्रूफ हो जाए। तो हमने ऐसी परम्यूटेशन से इसमें अवॉइड करना है क्योंकि ये तो हर एक से कम्यूट करेगी। हमने ऐसी रोटेशन लेनी है जो अपने इनवर्स के बराबर ना हो। तो ये थोड़ा सा इसका प्रूफ था। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ये प्रॉपर्टी है आर 180 के बारे में, कि जो रोटेशन है 180 डिग्री की वो हर डाईहेड्रल ग्रुप में नहीं होती, वो सिर्फ उस डाईहेड्रल ग्रुप में होती है जिसमें एन इवन होता है, वरना नहीं होती। इसका प्रूफ हम कैसे लिखेंगे,
हम जानते हैं कि डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर थीटा इक्वल्स टू 360 ओवर एन एंड एफ आई इज आर डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि आर 180 बिलोंग्स टू डी एन। इसका मतलब है आर 180 ये है तो कोई रोटेशन ही, तो आर 180 जो है वो फिर क्या होगी, इनमें से कोई एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ठीक है इन्हीं में से कोई होगा ना, तो इसको फिर लिख सकते हैं आर 180 इक्वल्स टू के थीटा वेयर के वेरीज फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1। और क्योंकि ये एंगल 360 से आगे तो जाना नहीं है, उससे पहले पहले ये, इसका मतलब है 180 फिर किसके इक्वल होगा, के थीटा के। और यहाँ से हम थीटा की एन की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और एन की वैल्यू 2k आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगा एन इज इवन। कन्वर्सली फिर हम सपोज करते हैं कि एन इवन है और हम प्रूफ करेंगे कि एन जो है, जो आर 180 है वो डी एन में मौजूद है। एन को इवन ले लेते हैं और फिर हम आर लैम्डा थीटा की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। आर लैम्डा थीटा को हम लिख सकते हैं आर एन बाई 2 थीटा और थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ये आर 180 आ जाएगा ठीक है। अब हमने फैसला करना है कि आर 180 डी एन में है कि नहीं है। आर 180 जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो आर लैम्डा थीटा के इक्वल आ गया। अब अगर तो ये लैम्डा एन से छोटा होगा तो ये इसमें आ जाएगा, अगर ये एन से छोटा ना हो तो नहीं आएगा, लेकिन लैम्डा की वैल्यू एन बाई 2 है जो एन से छोटी है, लिहाजा अगर इस डिस्क्रिप्शन को देखें तो ये आर लैम्डा थीटा इसमें ही होगा, देयरफॉर आर 180 भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्या प्रूफ करना है। इसमें हमें गिवन है कि इन द डाइहेड्रल ग्रुप आप R ले लें बेसिक रोटेशन के, दैट इज 360 बाय n, और F कोई भी रिफ्लेक्शन है। और हमसे ये डिमांड की गई है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म R पावर i और R पावर i माइनस 1। किसी भी प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, लेकिन i की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ए पार्ट में प्रोडक्ट ये है, इस प्रोडक्ट को लिखना है। तो इसमें आपने जो रिलेशन अभी रिसेंटली पढ़ी है उनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये रिलेशन अगर यूज करेंगे तो ये वाली चीज किसके इक्वल आ जाएगी, आर स्क्वायर के, इसका इनवर्स आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर 7 आ जाएगी। लेकिन हमें आंसर लेस देन एन लेके आना, यहाँ पे एन 4 है, आर 4 पे आइडेंटिटी है, इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह डी 5 में एन 5 है और आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये वाला प्रोडक्ट लिखना है, ये प्रोडक्ट है। इसमें भी आप अपनी मर्जी से आपको जो सूटेबल रिलेशन लगे, जैसे अगर यहाँ पे अपना इस चीज को अगर देखें तो ये किसके इक्वल आएगी, इसकी जगह पे आप r माइनस 4 लिख लेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और फिर ये r नेगेटिव आ गया, r माइनस 9 आ गया। लेकिन हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो हम r को यूज करेंगे, क्योंकि r का ऑर्डर 5 है, r पावर 10 पे आइडेंटिटी आता है, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसके साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी को आर पावर 10 भी लिखा जा सकता है, तो ये आर आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और एक्सरसाइज सी पार्ट भी इसी तरह से आप इसको अगर देखें तो प्रूफ किया जा सकता है, ये दो डिफरेंट तरीकों से देखा जा सकता है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जनरेटर्स एंड रिलेशंस। अब जनरेटिंग सेट क्या होता है, ग्रुप के अंदर लेट जी बी ए ग्रुप एंड एस बी ए सबसेट ऑफ जी, वी से दैट एस इज अ जनरेटिंग सेट फॉर जी इफ ईच एलिमेंट इन जी कैन बी रिटन एज फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस एंड देयर इनवर्सेस। अगर जी का हर एलिमेंट एस के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से बने या उनके इनवर्सेस के प्रोडक्ट से बने तो फिर हम कहते हैं कि ऐसा सेट ग्रुप का जनरेटिंग सेट होगा। इसके लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, इस नोटेशन का मतलब है जी इज जनरेटेड बाय दिस सेट एस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइक्लिक ग्रुप लें तो इस जनरेटिंग सेट में एक ही एलिमेंट होता है, साइक्लिक ग्रुप के केस में ये जनरेटिंग सेट सिंगल टन होता है। जैसे जेड जो है वो 1 से जनरेट हो रहा है, माइनस 1 से भी हो सकता है, जेड 8 जो है वो 1 से जनरेट हो जाता है, 1 उसका जनरेटिंग सेट है। जिस तरह 3 जो सिंगल टन सेट है वो भी इसका जनरेटिंग सेट लिया जा सकता है। कोई भी साइक्लिक ग्रुप लें इसमें सिंगल टन जनरेटिंग सेट फाइंड किया जा सकता है। लेकिन साइक्लिक के अलावा अभी थोड़ी देर पहले आपने डाइहेड्रल ग्रुप देखा है, इसमें इसके जनरेटिंग सेट में दो एलिमेंट्स हैं आर और एफ, क्योंकि इसका हर एलिमेंट आर और एफ से मिलके बनता है, इनके प्रोडक्ट से मिलके बनता है। इसी तरह एस थ्री के बारे में भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप ये दो एलिमेंट ले लें एस थ्री के
S3 में अगर आप ये एक एलिमेंट ले लें ऑर्डर 3 का, जो 3 साइकिल है और एक 2 साइकिल ले लें, तो इनके अगर मैं इसका इसकी पावर्स लेना शुरू करूं तो इसकी पावर से क्या आएगा? इसकी पावर 1 लेने से यही आएगा, इसकी पावर 2 लेने से ये आ जाएगा, इसकी पावर 3 लेने से आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर हम 1 2 लेंगे, फिर 1 2 को जब इसके साथ कंपोज करेंगे तो क्या आएगा? फिर 1 2 को अगर कंपोज करेंगे तो 1 2 पे और 2 3 पे ये आ जाएगा, फिर अगर 1 2 को दूसरे के साथ कंपोज करेंगे इसके स्क्वायर के साथ तो ये आ जाएगा। तो 6 के 6 एलिमेंट इन दोनों से जनरेट किए जा सकते हैं, तो ये इसका जनरेटिंग सेट हो गया। रिलेशन क्या होती है? जो कोई भी जो जनरेटिंग सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसको रिलेशन कहते हैं ग्रुप में। रिलेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसको जनरेटिंग सेट के एलिमेंट सेटिस्फाई करें। और प्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर फर्ज करें जी कोई ग्रुप है और एस को उसका जनरेटिंग सेट है, और फिर हम वो तमाम रिलेशंस ले लेते हैं जो जरूरी रिलेशन हैं जिनसे बाकी सारी रिलेशन ड्राइव की जा सकती हैं, तो उन रिलेशन वो जो रिलेशन होती हैं वो जनरेटिंग सेट के साथ मिलके ग्रुप को प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये ग्रुप की प्रेजेंटेशन आ जाएगी अगर हमें जनरेटिंग सेट का पता चल जाए और रिलेशंस का पता चल जाए। ये रिलेशंस में क्या खास, सारी रिलेशंस भी ले सकते हैं और सिर्फ यहाँ पे जरूरी रिलेशंस भी ले सकते हैं। जरूरी मींस कि ऑल द रिलेशंस कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दीज रिलेशन। तो फिर ये जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइक्लिक ग्रुप को लेते हैं, तो कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो ये उसकी क्या होगी? प्रेजेंटेशन होगी। किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को हम इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले उसका जनरेटिंग सेट लिखते हैं, फिर रिलेशन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल Z4 को भी ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का जो ग्रुप है इसको भी ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन में ये खास बात होती है कि ग्रुप के एलिमेंट्स चाहे जिस मर्जी फॉर्म में हों, फंक्शंस हों, मैट्रिसेस हों, जिस मर्जी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो, लेकिन उनको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें उसका जनरेटिंग सेट चाहिए होता है और रिलेशन चाहिए होती है। तो इस तरह हम किसी भी ग्रुप को जनरेटर्स और रिलेशंस की मदद से प्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डाइहेड्रल ग्रुप को लें, जनरेटर्स और रिलेशन में लिखते हुए हमने स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होता है, एलिमेंट्स की फॉर्म जो मर्जी हो, क्योंकि स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे Z4 लें या फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लें, उनकी प्रेजेंटेशन सेम होगी क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, एलिमेंट्स चाहे जिस मर्जी फॉर्म के हों। इसी तरह डाइहेड्रल ग्रुप को लें, तो आप जानते हैं इसके 2 जनरेटर हैं R और F। और R इसमें जनरेटर्स में रिलेशन कौन कौन सी हैं? एक तो R का ऑर्डर N है हमें पता है, फिर हमें पता है F का ऑर्डर कितना है, F का ऑर्डर 2 है, और फिर हमें इस रिलेशन का भी पता है कि RFR इक्वल्स टू F, ये भी लिख सकते हैं। या इसकी जगह अगर आप इस रिलेशन की जगह इसके कोई इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं F R F equals to R inverse, आप ये भी लिख सकते हैं। या इसकी कोई इक्विवेलेंट फॉर्म कोई भी लिख सकते हैं RF equals to FR inverse, ठीक है। और इसके इक्विवेलेंट आप ये भी लिख सकते हैं RF का स्क्वायर इक्वल्स टू होल आइडेंटिटी, क्योंकि आपको याद होगा ये रिलेशन जब आपने ड्राइव की थी तो आपने इस चीज़ को यूज़ करके ड्राइव की थी, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट है। तो ये रिलेशन है, तो आप अगर इसके जनरेटर्स लिखें और साथ रिलेशन लिख लें तो दिस इज़ ए प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्रुप, ये इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और इसमें रिलेशन को आप जिस मर्जी फॉर्म में लिख लें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बातें आपस में इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। नीचे नोट में यही बात लिखी हुई है कि ये जो रिलेशन हैं ये आपस में कन्वर्टेबल हैं, एक रिलेशन से दूसरी रिलेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप बेशक जिस मर्जी फॉर्म में उधर एक्सप्रेस कर लीजिए। तो ये इस तरह से हमें ये डाइहेड्रल ग्रुप की ये प्रेजेंटेशन होती है, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप जनरेटेड बाई 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट का ऑर्डर एन है, एक का 2 है, और साथ ये रिलेशन है। और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप R और F यूज़ करें, आप R और F की जगह कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आप ए बी भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फा बीटा भी यूज़ कर सकते हैं। रिलेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने साथ में रिलेशन ज़रूर बतानी है, ठीक है। फर्ज करें अगर ए बी से जनरेट करना है तो बताना है ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, और रिलेशन कौन सी है। तो इस तरह से आप
इसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसी तरह आप S3 की प्रेजेंटेशन अगर लिखना चाहें, इसमें अगर मैं इस एलिमेंट को अल्फा से डिनोट करूं, इस एलिमेंट को बीटा से, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टीज है। अल्फा का ऑर्डर 3 है, बीटा का ऑर्डर 2 है और अल्फा बीटा स्क्वायर पे आइडेंटिटी आता है। तो दीज टू ग्रुप्स हैव द सेम प्रेजेंटेशन, देयरफॉर दे आर आइसोमॉर्फिक, दे हैव सेम स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। इसी तरह आप क्लाइन 4 ग्रुप को देख लेते हैं। क्लाइन 4 ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था, क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज होता है और फिर रेक्टेंगल है, प्रॉपर रेक्टेंगल विद अन इक्वल साइड्स। इसमें चार एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और वर्टिकल रिफ्लेक्शन। इसमें अगर मैं इसको आर से डिनोट कर दूं और इसको एफ से डिनोट कर दूं, तो ये आर एफ के इक्वल आ जाएगा। तो इसको भी आर और एफ से जनरेट किया जा सकता है। इसके भी दो जनरेटर हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का ऑर्डर 2 है, आर का भी स्क्वायर पे आइडेंटिटी है और एफ के स्क्वायर पे भी आइडेंटिटी है। सो दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइन 4 ग्रुप। क्लाइन 4 ग्रुप की ये प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो V4 को फिर हम प्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह, वी कैन प्रेजेंट V4 इज अ ग्रुप व्हिच इज जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स सच दैट, उन एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर इज आइडेंटिटी एंड अल्फा बीटा स्क्वायर इज आल्सो आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो है ये जरूरी रिमार्क है और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे इस लेसन को। इस जरूरी रिमार्क में हम क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि वी कैन राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप बाय यूजिंग इट्स प्रेजेंटेशन। अगर हमें ग्रुप की प्रेजेंटेशन बता दी जाए, तो प्रेजेंटेशन को देख के हम ग्रुप के एलिमेंट्स की लिस्ट बना सकते हैं। वो किस तरह, फर्ज करें, मिसाल से एक देखते हैं। अगर हमें ये D4 की प्रेजेंटेशन है, आपने अभी देखा है कि डाईहेड्रल ग्रुप की प्रेजेंटेशन क्या होती है, दिस इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ D4। इसको यूज करके ग्रुप के एलिमेंट कैसे लिखेंगे, पहले आइडेंटिटी आ गया, फिर इस एक जनरेटर लिखेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका क्यूब लेंगे और इसकी पावर 4 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिटी आता है। तो ये चार एलिमेंट ये हो गए। फिर हम बीटा लिखेंगे और इसका स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही लिखा हुआ है। और फिर इनको कंपोज करना शुरू कर देंगे, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, तो ये सारे एलिमेंट पूरे हो जाएंगे। इसी तरह इन जनरल डाईहेड्रल ग्रुप अगर गिवन है, तो हम अल्फा और बीटा को यूज करके और इस प्रॉपर्टी को यूज करके ये सारे एलिमेंट्स की लिस्ट मुकम्मल कर सकते हैं। पहले अल्फा की पावर्स लिखेंगे, फिर बीटा आएगा, बीटा स्क्वायर पे आइडेंटिटी आता है, आगे हम जा नहीं सकते, फिर बीटा को इन सब के साथ कंपोज कर देंगे। इसी तरह अगर हमें ये प्रेजेंटेशन गिवन है क्लाइन 4 ग्रुप की, तो इसमें भी पहले हम अल्फा लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी है, फिर बीटा, बीटा स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, फिर इन दोनों को कंपोज कर लेंगे, तो इसमें चार ही एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे ये बताना मकसूद है कि आप प्रेजेंटेशन को देख के ग्रुप के एलिमेंट्स पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्लोज करते हैं इस लेसन को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।